कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पे जाके ये पता चलता है कि कई बार मंजिल से बेहतर उसका सफर होता है। ये एक ऐसा ही रास्ता था। What is up, you lovely people out there? I hope you guys are doing well. I hope you guys are safe. Welcome back to the channel and welcome back to another adventure. और इस vlog में भी waterfall hunting continues. क्योंकि आज जो हम जा रहे हैं वो मैंने पिछले vlog में भी mention करी थी जगह. आज की जो जगह है वो है कालाकुंड. ये एक काफ़ी famous tourist destination है इंदौर के पास, जो कि बागोड़ा region में पड़ती है. And कालाकुंड एक और reason से famous है क्योंकि जो यहाँ पे महू और इंदौर के बीच में हेरिटेज ट्रेन चलती है, जिस पे बहुत जल्द एक व्लॉग आने वाला है, उसका लास्ट स्टेशन पड़ता है हेरिटेज ट्रेन का. तो चलो आज यही एक्सप्लोर करते हैं. एंड आज भी हम लोग जो ओरिजिनल रूट है उससे ना जाते हुए ट्रैक करते हुए एक रूट से जा रहे हैं जंगल के थ्रू. तो लेट्स गो ऑन दिस अमेजिंग ट्रैक एंड आई विल सी यू ऑन द वे. आज भी हमारे साथ राजेश भैया जा रहे हैं एंड पापा भी हैं. एंड राजेश भैया के बेटे भी हैं आज हमारे साथ इस ट्रैक पे. आई थिंक सबसे छोटे मेंबर अभी तक के ट्रैक के. तो बस यूं ही हमने अपने बैग बस्ते उठाए और निकल चले इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे, जो कि बाय द वे बहुत ज़्यादा अच्छे थे. पर इन रास्तों पे चल के एक बात तो समझ में आ गई थी कि आगे का सफ़र भले ही थोड़ा मुश्किल हो पर बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है. तो अभी हम लोग खड़े जहाँ से हमारा डिसेंट नीचे शुरू होगा जो कालाकुंड वाटरफॉल तक जाएगा. एंड जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ है, बहुत ही अच्छी वाइब है. यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी ठंडी एंड वहाँ नीचे हमें जाना है. एंड काफ़ी डाइसी जगह पे खड़ा हूँ वैसे मैं अभी, बट यही तो इन सारे ट्रैक्स का फन पार्ट है. तो अब नीचे डिसेंट शुरू करते हैं एंड ट्रैक दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी से ही यहाँ दिख रहा है बहुत अच्छा ट्रैक है एंड आई एम प्रीटी श्योर आगे बहुत सही होगा. तो लेट्स गो. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और स्टीप, जंगल और घना, पेड़ और ऊंचे, और एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गया. और जहाँ तक व्यूज़ की बात है वो तो पूरे रास्ते अमेजिंग थे ही. द रीज़न ऑफ स्विचिंग ओवर टू द GoPro इज थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी एंड मुझे मेरा कैमरा रिस्क नहीं करना था, बट बारिश वुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम कंटिन्यूइंग द ट्रैक. तो हियर वी आर विद द GoPro कंटिन्यूइंग द ट्रैक विद द GoPro. एक्चुअली लाइफ ऑफ अ फोटोग्राफर, कंधे पे ये बोझ, पर यही बोझ तो एंड में अच्छे अच्छे विजुअल्स लेने में हेल्प करते हैं. वैसे बारिश के बारे में एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रैक को थोड़ा सा मुश्किल बना देती हो, बट अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो बारिश और बादल आर अ ब्लेसिंग फॉर यू. थोड़ी दूर चल के हम सब की हालत टाइट हो चुकी थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं. बारिश भी रुक चुकी थी एंड नीचे वैली में मुझे एक गाँव दिख रहा था. The way it was tucked in amongst the mountains, it almost looked like a scene from a fairy tale. Don't believe me? Watch it for yourself. थोड़ी देर रेस्ट करके ड्रोन उड़ा के उस छोटे से गांव के कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स लेके एंड बहुत सारा पानी पी के हम फिर आगे बढ़ गए. हम सबसे तेज़ जो इस ट्रैक में आगे चल रहा था वो था राजेश भैया का बेटा प्रवीण. मुझे पता नहीं क्या था, बट इफ़ आई हैव टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट,
आई थिंक ही वॉज बींग ड्रिवन बाई हिज क्यूरियोसिटी। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके थे जो कि था कालाकुंड रेलवे स्टेशन के पास। कालाकुंड रेलवे स्टेशन हेरिटेज ट्रेन का लास्ट स्टॉप है, बट हम वहां क्यों जाएंगे जहां सब जाते हैं। तो हम कुछ दूर और आगे जाके एक थोड़ी सी क्लूडेड सी जगह पहुंचे। फाइनली पूरा ट्रैक कंप्लीट करके वहाँ से वो पहाड़ से उतरते हुए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग कालाकुंड फाइनली आ गए, एंड एक्चुअली कालाकुंड स्टेशन है जहाँ पे हेरिटेज ट्रेन रुकती है। हम वहाँ नहीं रुके, हम थोड़ा सा उसके और आगे ट्रैक करते हुए यहाँ पे आए हैं। जो पीछे आपको पूरा दिख रहा है, ये नदी यहाँ से जाके कालाकुंड में मिल जाती है, एंड यही है। थोड़ा सा ट्रैक करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, एंड थोड़ा लोकल्स की मदद से, राजर प्रिया की मदद से हमें ये सिक्लूडेड सा वाटर बाथ मिला है जहाँ पे अभी हम लोग मस्त करेंगे, चिल करेंगे, बट ज़्यादा देर नहीं क्योंकि रेन गॉड्स आर नॉट इन आर फेवर। तो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, थोड़ा नहा लिया जाए, बारिश आए उससे पहले। आई विल सी यू इन अ बिट, एंड गोप्रो शॉट्स कमिंग। 3, 2, 1। To the GoPro, and these are the only shots that I could take. इसका रीज़न ये था कि जैसे ही हमने GoPro निकाला एंड मस्त एकदम नहाने का माहौल बनाया, तैयारी की, तब तक तेज़ बारिश आ गई, एंड हमको निकलना इसलिए पड़ा क्योंकि अभी हमारा जो गियर है वो गीला होने का डर था, एंड प्लस जो रास्ता है वो थोड़ा स्टीप है वापस जाने का। एनी वे, बाय द वे, यहाँ पर नहा रहे थे हम, पीछे अगर वो दिख रहा है वहाँ पर हम पीछे नहा रहे थे। तो आई गेस अब यहाँ शूट करने के लिए कुछ बचा नहीं है क्योंकि अभी हमको वापस ऊपर जाना शुरू करना है, थोड़ा लंबा रास्ता है। अब तो ऊपर आ गए। ट्रैक के बारे में एक चीज़ तो मैं बताने ही भूल गया कि ये जो ट्रैक था लास्ट वीक जब मैंने किया था जूना पानी का ट्रैक, उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी था। चढ़ाई ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल थी, तो अगर कभी आओ तो टाइम लेके आना क्योंकि चढ़ने में आपको एटलीस्ट डबल टाइम लगेगा, बट ओवरऑल जो ट्रैक था वो काफ़ी ईजी था, आराम से आ सकते हो। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बट फिर से बोल रहा हूँ टाइम लेके आना क्योंकि आपको अगर फैमिली के साथ आना है तो उतरने और चढ़ने में टाइम लगेगा। उसके अलावा काफ़ी अच्छी जगह थी, आपने देखा ही होगा ट्रैक में। एंड अब बैक टू द आउटरो। तो आई गेस इस व्लॉग के लिए इतना ही, एंड अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है। एंड एज़ यूजुअल मैं नीचे राजेश भैया का नंबर एंड इस लोकेशन की पिन डाल दूंगा, बट मेक श्योर यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, लोकल्स का रिस्पेक्ट करना, एंड कभी आओ तो प्लीज़ गंदगी मत फैलाना। बाकी अगर पसंद आया हो तो अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबके साथ शेयर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बताना ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लोकेशंस आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।